हम यहाँ पे देख रहे थे इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है लेफ्ट साइड के एटम और राइट साइड के एटम। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के टू एटम हैं, राइट साइड में भी हाइड्रोजन के टू एटम हैं, बट ऑक्सीजन के हेयर टू एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। सो वी नीड टू बैलेंस इट, हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हम इधर टू बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टू। इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के चार हो गए, अब यहाँ तो हाइड्रोजन के दो ही रहते हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। थोड़ा सा ना उस फोकस लिया करो जिस पर, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, 2H2O plus O2, 2H2O, दैट इक्वेशन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। देखिए 2H2O हैज द हाइड्रोजन ऑफ 4 एटम एंड द 2H2O हेयर इज हाइड्रोजन हैज द 4 एटम एंड ऑक्सीजन हैज द 2 एटम हेयर आल्सो, 2 एटम हेयर आल्सो, ठीक है, ऑक्सीजन 2 एटम हेयर एंड 2 एटम हेयर, सो दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। द बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी 2H2 plus O2 equal to 2H2O, ठीक। देट वी विल टेक द सेकेंड इक्वेशन, Mg plus HCl equal to MgCl। Here we see that hydrogen cannot be stained with in the atomic form, so we need the H2. If we take the H2 here, so we also need to the 2 here, because हाइड्रोजन कैन नॉट बी स्टेंड इन द एलिमेंट फॉर्म इन द रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, जब दो से मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ भी दो की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम दो यहाँ पे इसे दे देते हैं, क्योंकि वैसे भी Mg की वैलेंसी जो होती है वो दो होती है और Cl को चाहिए एक होता है, इसलिए Cl दो पकड़ के ले आते हैं और MgCl2 बना देते हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी ये, Mg plus 2HCl equal to MgCl2 plus H2। ये यहाँ पर Mg plus 2HCl में MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस हो जाएगी। वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक।